चार महीनों की निद्रा के बाद 19 नवंबर को जागेंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देवोत्थानी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी कई नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में चार महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। कार्तिक माह की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु जागते हैं। इनके जागने के बाद से सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। दरअसल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता है। इन चार महीनों में पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी भगवान शंकर के साथ ही अन्य सभी देवी देवताओं के कंधों पर आ जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसी खुशी में सभी देवी देवता पृथ्वी पर एक साथ आकर देव दिवाली मनाते हैं, जिसका बहुत ही महत्व होता है। इस बार देवोत्थान एकादशी 19 नवंबर को मनाई जाएगी। वही दिवाली के वक्त भगवान विष्णु निद्रा में लीन होते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा उनके बिना ही की जाती है। मान्यता यह है कि देवउठनी 11 को भगवान विष्णु के उठने के बाद सभी देवों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारी, इसी कारण ही इसे देव दिवाली कहा जाता है।